दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आज के इस वीडियो में। आज के इस वीडियो में हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट द्वारा सेवानिवृत्त कर्मचारियों के हक में एक बड़ा फैसला यहाँ पर दिया गया है, जिससे अभी उनको 20 साल की सर्विस अगर उन्होंने की है तो उनको पूरी पेंशन का भुगतान जो है किया जाएगा। तो जी दोस्तों, हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट द्वारा अपने फैसले में कहा गया है कि न्यूनतम 20 वर्ष का सेवाकाल पूरा करने वाले कर्मचारी भी पूरे पेंशन के हकदार होंगे। तो जी दोस्तों, हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट द्वारा ये जो बड़ा फैसला दिया गया है तो उसी के बारे में अभी मैं आपको इस वीडियो में पूरी जानकारी देने वाला हूँ। तो आप इस वीडियो के साथ अंत तक बने रहिए ताकि हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट द्वारा 20 साल से ज्यादा काम करने वाले कर्मचारियों के लिए ये जो पेंशन के संदर्भ में महत्वपूर्ण फैसला दिया गया है तो इसके बारे में आप सभी को पूरी जानकारी मिल सके। और इसी तरह के अपडेट जानने के लिए अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो के नीचे एक रेड कलर का बटन आपको दिखाई दे रहा होगा जिस पर सब्सक्राइब लिखा होगा, उसे प्रेस करके आप चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए ताकि जो आने वाले भविष्य में अपडेट है तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। तो चलिए दोस्तों, हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट द्वारा ये जो बड़ा फैसला यहाँ पर दिया गया है तो उसके बारे में अभी हम पूरी जानकारी लेते हैं। तो चलिए दोस्तों, हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट द्वारा ये जो बड़ा फैसला यहाँ पर रिटायर्ड कर्मचारियों के हक में दिया गया है, जिसमें हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट के फैसले में कहा गया है कि न्यूनतम 20 वर्ष का सेवाकाल पूरा करने वाले कर्मचारी भी पूरी पेंशन के हकदार होंगे। तो जी दोस्तों, हाल ही में हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट द्वारा यहाँ पर एक याचिका की सुनवाई में यह फैसला जो है दिया गया है। प्रदेश हाईकोर्ट ने 2006 से पहले रिटायर्ड पेंशन धारियों को बड़ी राहत देते हुए स्पष्ट किया कि न्यूनतम 20 वर्ष का सेवाकाल पूरा करने वाले कर्मचारी भी पूरे पेंशन लेने का हकदार होंगे। न्यायाधीश सुरेश ठाकुर और न्यायाधीश सीबी बोरीवालिया की खंडपीठ ने केपी नायर की दायर याचिका को स्वीकार करते हुए यह व्यवस्था दी। कोर्ट ने कहा कि सरकार एक कृत्रिम कट ऑफ डेट के आधार पर पेंशन धारकों में भेद नहीं कर सकती। न्यायत रहे कि सरकार ने वर्ष 2006 में एक फैसले के तहत पूर्ण पेंशन के लिए जरूरी सेवा 33 वर्ष से घटाकर 20 वर्ष कर दी थी। इससे पहले यदि कोई कर्मचारी 33 वर्ष से कम कार्यकाल में रिटायर्ड होता है तो उनकी पेंशन सेवा काल के आधार पर तय की जाती थी। वर्ष 2009 में जारी अधिसूचना के तहत 1 जनवरी 2006 के बाद पूर्ण पेंशन के लिए 33 वर्ष के कार्यकाल की शर्त को खत्म करते हुए इसे 20 वर्ष कर दिया था, लेकिन यह भी कहा गया था कि यह नया प्रावधान केवल 2006 के बाद रिटायर्ड होने वाले पेंशनरों के लिए लागू होगा। याचिकाकर्ता 2006 से पहले का पेंशनर था। उसने उपर्युक्त शर्त को भेदभावपूर्ण और अनुच्छेद 14 के उल्लंघन के रूप में हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। कोर्ट ने प्रार्थी की दलीलों से सहमति जताते हुए कहा कि 2006 के पूर्व के पेंशनर भी सरकार द्वारा घोषित लाभ के हकदार है और उनकी पेंशन को 1 जनवरी 2006 के प्रभाव से अनुपात आधार पर कम नहीं किया जा सकता है। संपूर्ण रूप से पेंशन भोगी एक समरूप वर्ग में बनते हैं और उनसे कृत्रिम कट ऑफ डेट के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता है। तो जी दोस्तों, यहाँ पर ये जो बड़ा फैसला हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट द्वारा यहाँ पर सुनाया गया है, जिसमें जो कर्मचारी 2006 से पहले रिटायर्ड हुए हैं तो उनके भी पूरी पेंशन दिए जाने के लिए यहाँ पर इस फैसले में कहा गया है। सरकार द्वारा यहाँ पर पूरी पेंशन भुगतान के लिए जो 33 वर्ष का समय काल था तो उसे जो है वो 2009 में जो अधिसूचना जारी की थी तो उसमें हटाकर 20 साल जो है वो कर दिया गया था। लेकिन इस अधिसूचना में यह भी कहा गया था कि यह प्रावधान केवल 2006 के बाद रिटायर्ड होने वाले पेंशनरों के लिए ही लागू होगा, पर यहाँ पर ये जो पेटिशनर थे तो वो जो है वो 2006 से पहले जो है वो रिटायर थे और पहले से ही अपनी पेंशन जो है वो ले रहे थे और उन्होंने इस याचिका में कहा था कि यह एक भेदभावपूर्ण और अनुच्छेद 14 का उल्लंघन भी है। इसी के चलते इनके द्वारा जो है वो हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट में जो है वो याचिका दाखिल की गई थी और इनके हक में यहाँ पर हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट द्वारा यहाँ पर बड़ा फैसला दे दिया गया है, जिसमें यहाँ पर हिमाचल प्रदेश के हाईकोर्ट द्वारा कहा गया है कि जिन कर्मचारियों ने 20 साल की सेवा पूर्ण की है तो ऐसे कर्मचारी भी जो है वो पूरे पेंशन लेने का हकदार होंगे। तो यार दोस्तों, यहाँ पर ये जो बड़ा अपडेट निकल कर आया है तो उसी अपडेट के बारे में अभी मैंने आपको इस वीडियो में पूरी जानकारी दी। हिमाचल प्रदेश द्वारा ये जो बड़ा फैसला दिया गया है तो इसके ऊपर आपकी जो भी राय बनती है तो इस वीडियो के नीचे एक कमेंट बॉक्स है, आप वहां पर जरूर कीजिएगा ताकि आपकी राय के बारे में बाकी कर्मचारियों को भी पता चल सके और यह वीडियो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच सके। तो जी दोस्तों, आज के इस वीडियो में हिमाचल प्रदेश के हाईकोर्ट द्वारा ये जो बड़ा फैसला दिया गया था तो उसी फैसले के बारे में अभी मैंने आपको इस वीडियो में जानकारी दी। वीडियो में दी गई जानकारी अगर आपको अच्छी लगी तो इस वीडियो को अभी लाइक कर दीजिएगा और इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि इसके बारे में सभी को पता चल सके। तो चलिए दोस्तों, आगे भी मैं आपके लिए ऐसी वीडियो लेके आता रहूंगा, इसके लिए अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो के नीचे एक रेड कलर का बटन है उसे प्रेस करके आप चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए और उसके बाद एक बेल का बटन भी आएगा उसे भी आप प्रेस कर दीजिएगा ताकि भविष्य में जो भी अपडेट आए तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके।